नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस से कुछ प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, ये रहा प्रश्न, कुछ सवालों को देखने वाले इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को। याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को किसे किसके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को। ठीक है, अगला सवाल पूछेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी को अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा सवाल। ठीक है, अगला सवाल दूसरा नंबर कि अकेली गैसों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अकेली गैसों की संख्या है 6। कितना है दोस्तों? 6 है। अकेली गैसों की संख्या कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और ज़ेनॉन। एक्स ईस है ज़ेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेनॉन। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितना है? 6 है। कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेनॉन। देखिए अकेली गैसों की संख्या के वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब हमें ये कहना चाहिए कि जितने भी यहाँ पे तत्व आप देख रहे हैं निष्क्रिय गैस, उसके वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और बाकी सिर्फ इसको छोड़कर, हीलियम छोड़कर, हीलियम अपवाद है, ठीक है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर बाकी सभी अकेली गैसों के वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अकेली गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 3 नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को किसका स्थापना हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना देश जुड़े हुए, कितने सदस्य देशों में कितना है? तो 193 है। कितना है दोस्तों? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 देश शामिल है। ठीक है, देखिए 193 देश कौन सा है? तो वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा कि दक्षिणी सूडान जो है ये 193 देश है संयुक्त राष्ट्र संघ का। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल, 4 नंबर सवाल कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ये स्थित है उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में और क्या क्या स्थित है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर भी है। क्या है दोस्तों? तो कोणार्क मंदिर। याद रखिए कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी उड़ीसा में स्थित है, और कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए चिल्का झील जो खारे पानी का झील है जिसको हम लैगून झील भी बोलते हैं, वो भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध वो जो किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। वो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के ऊपर मनाया जाता है। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। ठीक है, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो SBI का स्थापना हुआ था 1955 में। ठीक है दोस्तों, 1955 को SBI का स्थापना हुआ था। वर्तमान में जो SBI के अध्यक्ष है वो है दिनेश कुमार खारा। कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष जो है वर्तमान में SBI के वो है दोस्तों दिनेश कुमार खारा।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान SBI के अध्यक्ष है। अच्छा, SBI का पुराना नाम क्या है? तो SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI का पुराना नाम है। ठीक है, याद रखिएगा कि SBI का स्थापना हुआ 1955 को, अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, और SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होती है। क्या होती है दोस्तों? ब्यूटेन। याद रखिएगा कि ब्यूटेन होती है किसमें? सिगरेट लाइटर में। सिगरेट जो लाइटर होता है, ठीक है, सिगरेट जलाने जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। जैसे कि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। उस तरह से सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी को, इसीलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, याद रखिएगा कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, नाथुराम गोडसे ने गोली मारा था। ठीक है, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर सवाल कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। आपसे अगर आपसे पूछेगा कि नौसेना दिवस या फिर थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को याद रखिएगा कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। और 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। ठीक है, नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 जनवरी को थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये दो भाई मिलकर किया था, हरिहर एवं बुक्का नाम दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी को। कब किया था? 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये दो भाई था, याद रखिएगा कि हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? 1336 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, याद रखिए कहाँ दिए थे? सारनाथ में गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, याद रखिए किस भाषा में? तो पाली भाषा में। सबसे पहले जानेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ईसापुर में क्या होता है? ईसापुर में घटता है, ईस्वी में बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी 2022 है तो 2023 होगा, 2024 होगा, लेकिन ईसापुर में क्या होता था? अगर 563 है तो 562 होगा, 561 होगा, घटता है, बढ़ता नहीं। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसापुर में और 483 ईसापुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी तो गौतम बुद्ध का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसापूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसापूर्व में कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए समझ गए। अगला है 12 नंबर सवाल कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। किसने किए थे? अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब हुआ था? ये हुआ था 1916 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे और 1916 में हुआ था। ठीक है, अगला है 13 नंबर सवाल कि प्रथम विश्वयुद्ध कब से कब तक हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्वयुद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्वयुद्ध हुआ था, जिसमें कितने देश भाग लिए थे? तो 31 अगर आपसे पूछेगा, देखिए याद रखिएगा कि प्रथम विश्वयुद्ध में द्वितीय विश्वयुद्ध में, ठीक है, द्वितीय विश्वयुद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है दोस्तों,
1939 लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, 6 साल तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 तक, और 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो ये थे कुछ सवाल जो मैंने डिस्कशन करवा दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आज की क्लास, अब से क्लास कंटिन्यू चलने वाली है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज को इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।